हाँ जी एक नहीं अनेक है। राजा एक होता है या अनेक होते हैं? है राजा तो एक ही होता है, परंतु उसके सहयोगी अनेक होते हैं। कोई सहयोगी राजा से भी ज्यादा काम उठा लेता है, कोई कम सहयोगी बनता है, ये बात हो सकती है। बाकी राजा तो एक ही होगा। और उन्होंने इतना मिलन मेला बाप के साथ नहीं मनाया है जितना जगदम्बा ने मनाया है, इसलिए उनका मेला नहीं लगता है। जगदम्बा का मेला जास्ती लगता है। मिलना शरीर के द्वारा होता है, यह बिंदी बिंदी आत्मा मिलती है। हैं? कैसे मिलते हैं? देह के साथ मिलते हैं। देह में इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों से ही सुख लिया जाता है, सुख दिया जाता है। तो साकार में मिलन का गायन है या परमधाम में बिंदी बिंदी मिलने का गायन है? साकार में मिलने का गायन है। और सृष्टि पर वेद शिवा वाली कायम रहता है, इसके बारे में बता रहे हैं। क्या बताना है? जो पूछे जो बताएं। इस सृष्टि में सदा शिव बाप कायम नहीं है, शिव बाप कायम नहीं है, क्योंकि बाप है बिंदी और बाबा कहा जाता है निराकार और साकार के मेल को। बिंदी है निराकार और साकार तन है साकार। किसका साकार तन? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उस साकार तन में सदैव निराकार रहने वाली ज्योति बिंदु आत्मा प्रवेश करती है। तो साकार और निराकार का मेल है, उसको कहा जाता है शिव बाबा। वो निराकार बाप जब साकार में प्रवेश करते हैं, उस वो बाप की आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो निराकार नहीं होता है। परंतु बाप का कहना है मैं आता हूं तो क्या बनाता हूं? आत्माओं का बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो क्या बनाते हैं? आप समान बनाते हैं। आप समान का मतलब, जैसे आत्माओं का बाप सदैव आत्म की स्थिति में रहने वाला है, वैसे बच्चों को भी आप समान स्टेज में रहना सिखाते हैं। तो नंबर वार बनेंगे या एक जैसे बनेंगे? नंबर वार बनेंगे। तो बनने वालों में जो 100% होगा वो बाप समान कहा जाएगा या सारे ही कहे जाएंगे? जो 100% बाप समान स्टेज को धारण करे वो बाप समान कहा जाता है। तो जो बाप समान स्टेज है, जिस रथ में प्रवेश करते हैं,
उसके लिए ये गायन है आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा तो है लेकिन परमपिता से पहले है या बाद में है, इसलिए कहा जाता है परमपिता परमात्मा। बाकी लोगों ने समझ लिया है कि सभी आत्माएं सो परमात्मा, परंतु सभी आत्माएं परमात्मा बाप समान नहीं बन सकती। एक ही आत्मा है जो बाप समान स्टेज को संगम युग में धारण करती है, परमपिता के साथ उसका नाम जुड़ता है परमात्मा, शिव के साथ उसका नाम जुड़ता है शंकर, शिव शंकर कहा जाता है। और कोई भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, चाहे वो धर्मपिताएं ही क्यों न हो, चाहे वो 33 करोड़ देवताएं ही क्यों न हो, चाहे वो अष्टदेव ही क्यों न हो, कोई का भी नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। तो जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है उसके लिए कहा इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, एक सृष्टि पर है, इस सृष्टि पर सदैव कायम रहने वाला तो वो ही आत्मा है जो बाप समान स्टेज को धारण करती है, ऑलराउंड पार्ट बजाती है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच से गायब होने का उसका पार्ट नहीं है। इसलिए बोला सदा कायम है एक शिव बाबा। जब बाबा कहते हैं तो साकार ही कहा जाता है, नहीं तो वो हमारा बाप है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, बाबा अर्थात ग्रैंडफादर नहीं है। और जितने भी संबंध हैं वो उसे दुनिया में होते हैं, लेकिन आत्माओं का संबंध परमपिता के साथ बाप का ही है, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। जब बाबा है तो साकार में आता है तब बाबा बनता है। और परमधाम में सब आत्माएं परमात्मा के प्यार से के धागे से बांधी हुई है। परमधाम में तो प्यार के धागे से नहीं बांधी हुई है, हैं? परमात्मा के प्यार के धागे में बांधा हुआ है। प्यार का धागा परमधाम में होता है या साकार सृष्टि में होता है? हाँ, साकार सृष्टि में होता है। नीचे आने का तरीका परमात्मा के प्यार के धागे में बांधा हुआ है, तो इससे पहले परमात्मा के बाद लक्ष्मी आत्मा आती है। दूसरा मंत्र नहीं आता है, क्योंकि जो पति पत्नी का रिश्ता है वो आधे साझे का रिश्ता है, अर्धांग। पत्नी का हिस्सा कितना बनता है? आधा आधा बनता है। तो जो पहला नंबर मणका है उसका जब 21 जन्मों का कनेक्शन बाप बंधवाते हैं एक के साथ, तो कितना हिस्सा बन जाता है उसका? आधा हिस्सा बन जाता है। तो दोनों का पुरुषार्थ आधा आधा बांट दिया जाता है।
तो नंबर पहले के बाद किसका होगा? दूसरे अष्टदेव का होगा या नारायण के साथ लक्ष्मी को होगा? है नारायण के साथ लक्ष्मी का होगा, क्योंकि अगर बीच में कोई दूसरा आ जाए तो युगल की प्रवृत्ति खलास हो जाएगी, वो प्रवृत्ति मार्ग नहीं रह जाएगा। सतयुग में तो राधा कृष्ण भी जन्म लेते हैं, तो राधा और कृष्ण के बीच में कोई दूसरी आत्मा जन्म ले सकती है क्या? नहीं ले सकती। राधा के बाद अगर जन्म होगा तो किसका होगा? किसी दूसरे का हो सकता है, लेकिन राधा से पहले कृष्ण का ही जन्म होगा, कोई दूसरे का जन्म नहीं हो सकता। और महालक्ष्मी देवी के बाद राधा कृष्ण ही आते हैं, लक्ष्मी देवी के बाद राधा कृष्ण ही आते हैं। ठीक है, विष्णु फरिश्ता है ना, विष्णु में कितनी आत्माएं समाई हुई है? पांच आत्माएं समाई हुई हैं। तो पांचों आत्माओं का नंबर पहले होगा या बाद में होगा? है पहले नंबर पांच का होगा, फिर बाद में दूसरों का होगा, है ही युगलमण के। और किसी ने सुनाया होगा, बाबा ने तो नहीं कहा कि बारह में विनाश होगा। बाबा ने किसी मुरली में बोला क्या कि बारह में विनाश होगा? तो दुनिया वालों ने किसी ने बोला होगा, माया सभ्यता वालों की कैसेट निकली है उसमें ये बात बोली गई कि बारह में विनाश हो जाएगा। तो वो तो मनुष्यों की बनाई हुई बातें हैं या भगवान ने बोला? मनुष्यों की बातें हैं, वो तो झूठी बातें हो सकती है। मन माने मत माने मेरे, मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा। ये मेरे कहने वाला कौन है? मेरे मन में समाजा, ये कहने वाला कौन है? कौन सी आत्मा है? शिव की आत्मा है। शिव को अपना मन होता है क्या? हैं? होता है, उसको अपना मन तो होता नहीं। जिसमें प्रवेश करता है उसका मन होता है। मन संकल्प और विकल्प चलाता है, तो शिव जिसे मैं प्रवेश करते हैं उसके संकल्प ज्ञान युक्त होंगे या अज्ञान युक्त होंगे? ज्ञान युक्त ही होंगे। तो जो ज्ञान युक्त संकल्प हैं उसमें समाजा। मन मना भव माने मेरे संकल्प में समाजा, माने मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसके संकल्प में समा जा। माने तुम सबके संकल्प मिलकर के एक संकल्प होना चाहिए, संकल्पों में संगठन होना चाहिए, सबकी एक मत होना चाहिए या दो मतें होनी चाहिए? एक मत होनी चाहिए। जब सबकी एक मत होगी
तो विजय हो जाएगी, राजधानी स्थापन होगी तो 9 लाख की एक मत होनी चाहिए या अलग अलग मतें होनी चाहिए? एक मत होनी चाहिए। तो कैसे पता चले कि एक मत है? जब राम बाप को पहचान लिया तो जो राम बाप बोले वो सब बोले, तब कहेंगे एक मत। एक की एक भाषा और दूसरे की दूसरी भाषा, एक एक बात बोले दूसरा दूसरी बात बोले, तो उसे एक मत नहीं कहेंगे। और जब तक एक मत नहीं होती है तब तक राजधानी नहीं स्थापन हो सकती। इसलिए बोला मन मना भव, मेरे मन में समा जा, ये ब्रह्मा मेरा मन है। भले ब्रह्मा बहुतों के नाम है परंतु बहुतों में कोई मुख्य ब्रह्मा भी तो होगा। कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा मुख्य है, क्योंकि शिव बाप जब परमधाम से आते हैं तो 5 ब्रह्मा में एक साथ प्रवेश करते हैं या किसी एक ब्रह्मा में पहले प्रवेश करते हैं? है, प्रजापिता ब्रह्मा में पहले प्रवेश करते हैं। नाम ही है प्रजापिता, फिर है ब्रह्मा, माने उनकी भी जोड़ी है। एक बाप है प्रजापिता और एक प्रजा की माँ है प्रजा माता, जिसको कहा जाता है जगत माता। जगत माता अर्थात जगदम्बा। तो बाप आते हैं तो 2 में एक साथ प्रवेश करते हैं, माता में भी प्रवेश करते हैं तो बाप में भी प्रवेश करते हैं, प्रजापिता और ब्रह्मा दोनों में प्रवेश करते हैं। एक में प्रवेश करते हैं सिर्फ सुनने सुनाने के लिए और दूसरे में प्रवेश करते हैं समझने समझाने के लिए। सुनना सुनाना तो होता ही है, साथ में समझना और समझाना भी हो जाता है। समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। तो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना हो जाती है। प्रवृत्ति मार्ग का देवी देवता धर्म स्थापन करना है, इसलिए फाउंडेशन ही प्रवृत्ति मार्ग का है। और बाबा, चार घोड़ा का मन बुद्धि लगाम, चार घोड़े का मन बुद्धि लगाम, भगवान हाथ में है बाबा बताएगा। तो चार घोड़े को शिव बाप आते हैं तो 4 मन बुद्धि रूपी घोड़े हैं मुख्य। जिनकी मन बुद्धि रूपी लगाम को कंट्रोल करते हैं, जब आते हैं तो मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं। मुकर्रर रथ वाले का नाम है प्रजापिता। प्रजापिता रथी है, शिव बाप उसमें सारथी है और मन बुद्धि रूपी 4 घोड़े हैं। कोई राइटियस होता है, कोई लेफ्टिस्ट होता है, कि चारों घोड़े राइटियस होंगे?
जो अव्वल नंबर रैतियस है उसको कहा जाता है धर्मराज, धारणाओं का राजा, वो है ब्रह्मा। मन रूपी फर्स्ट क्लास घोड़ा, जिसके द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर बाद में कितने रह गए? तीन। वो तीन है विधर्मी, इब्राहिम का बीज, बुद्ध का बीज और क्राइस्ट का बीज। ये चार घोड़े हैं, मन बुद्धि रूपी हैं। चारों की मन बुद्धि एक जैसी होगी या अलग अलग प्रकार की होगी? अलग अलग प्रकार की होती है। कोई एकदम राइटियस और कोई एकदम लेफ्टिस्ट। तो क्राइस्ट का मन बुद्धि रूपी घोड़ा हो गया लेफ्टिस्ट। जैसे भगवान चलाना चाहते हैं उससे बिल्कुल बम मार्गी, और एक होता है बिल्कुल राइटियस, जैसे बाप चलाना चाहते हैं वैसे ही चलने वाला। वही कर्म करने वाला जो बाप कर्म कराना चाहते हैं। तो चार धर्मों की स्थापना हो जाती है। जब तक चार की मन बुद्धि रूपी लगाम एक के हाथ में रहती है तो सतयुग त्रेता की शूटिंग होती है, स्थापना होती है। 21 जन्मों की स्थापना होती है। अब जब एक के हाथ से वो लगाम छूट जाती है तो द्वैतवादी द्वापर युग और कलयुग की स्थापना होती है। मनमत के आधार पर स्थापना होती है। सतयुग त्रेता में है एक मत और द्वापर कलयुग में है द्वैत मत। अद्वैत मत है देवताओं की, अद्वैत से बनते हैं देवता और द्वैत से बनते हैं दैत्य। द्वापर युग से दैत्यों का राज्य शुरू हो जाता है। दैत्यों के धर्म का बोलबाला हो जाता है, दैत्यों की मत का बोलबाला हो जाता है और उसमें वृद्धि होती रहती है। और बाबा जी माता जी और भी पूछती है, मतिया जी भाव का मत याजी भव, परंतु याजी भव बाद में, पहले है मन मना भव, अर्थात मेरे मन के संकल्पों में समाजा, अर्थात प्रजापिता का जो संकल्प है उस संकल्प में समाजा। पहले उस संकल्प में समाना पड़े। जो बाप के मन में है वो ही बच्चों के मन में हो। तो कोई काम किया जाता है तो बात पहले मन में आती है, फिर वाचा में आती है, फिर कर्मणा में आती है। यजन करना है कर्मणा, यजन करना माने यज्ञ करना,
यज्ञ को सेवा कहा जाता है। तो जो भी सेवा करना है वो मन मना भव के आधार पर करनी है या मनमाने तरीके से करनी है? है मन मना भव, माना जो मेरे मन में है वही तेरे मन में हो, तब असली यज्ञ सेवा होगी। इसलिए पहले है मन मना भव, मेरी याद में टिक जा, मेरे मन में समा जा, मेरे जैसे संकल्प कर, फिर बाद में मेरे जैसे कर्म होंगे। जैसे बाप कर्म कराना चाहता है, यज्ञ सेवा कराना चाहता है, वैसे ही यज्ञ सेवा की निमित्त बनेंगे। नहीं तो विपरीत सेवा हो जाएगी। सर्विस की जगह डिस सर्विस हो जाएगी। डिस सर्विस कराती है माया। सेवा करना सिखाते हैं बाप, कैसे कर्म करना है कैसे नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप समझाते हैं। ये माला का आवाहन करो। हाँ जी, ये कभी कभी याद आता है, कभी कभी याद नहीं आता है। इसका कारण है पूर्व जन्मों का हिसाब किताब। जिनका पूर्व जन्मों में वैजयंती माला की जो मुखिया है उसके साथ अच्छा कनेक्शन रहा होगा, ज्यादा कनेक्शन रहा होगा, उसे ज्यादा याद आएगी या कम याद आएगी? हैं? ज्यादा याद आएगी। और जिनका कम कनेक्शन रहा होगा उनको कम याद आएगी। और कनेक्शन रखने के लिए नजदीक में आना है ना? है कनेक्शन रखने के लिए नजदीक में आना है। जितना बाप के नजदीक होंगे उतना अम्मा के नजदीक पहुंचेंगे। क्या करना है? बाप को जितना याद करेंगे तो माँ के नजदीक अपने आप पहुंच जाएंगे। और ये माता जी पूछती है पांच पांडव अष्टदेव के बारे में एक ही है। अष्टदेव तो आठ हैं, पांच पांडव तो पांच हैं। क्या पूछना चाहते हैं? हैं? संबंध क्या है? पांच पांडव हैं, पांच धर्मों के मुखिया। देवता धर्म का मुखिया है राम, जो सूर्यवंशी कहा जाता है। चंद्रवंश का मुखिया है भीम, जो राम है वही युद्ध स्थिर कहा जाता है। ऐसे तो युद्ध के मैदान में स्थिर रहने वाली आत्मा है धर्मराज, ब्रह्मा। परंतु अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन है? हैं? प्रजापिता ब्रह्मा। इसलिए धर्मराज भी है, युधिष्ठिर है पहला नंबर सूर्यवंशी, दूसरा नंबर है चंद्रवंशी भीम,
भयंकर पार्ट बजाने वाला। लंका में आग लगाने का काम भयंकर है या साधारण है? भयंकर काम है। अकेले भीम ने 100 कौरवों को मारा। अर्जुन बड़ा महारथी था, उसने नहीं मारा। युधिष्ठिर बड़ा पांडव था, उसने नहीं मारा। किसने मारा? भीम ने मारा। 100 कीचक थे। कीचक कहा जाता है स्त्री लंपट को। मुरली में बोला है जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ जाते हैं। उनको कहा जाता है स्त्री लंपट, कीचक, बड़े गंदे होते हैं। जो माताएं हैं भाई जाना चाहते हो जाएं। तीसरा पांडव है अर्जुन। अपने सद्भाग्य का अर्जन करने वाला। जो भी भारतीय धर्म हैं, जो द्वापर युग से आए हैं, उन भारतीय धर्मों में मुख्य धर्म है बुद्ध धर्म। भारत में 24 अवतार गिने गए हैं भगवान के, उनमें एक अवतार बुद्ध का भी माना गया है। गीता में भी कहा है बुद्धिमान नर अर्जुन। मनुष्यों के बीच में बुद्धिमानी का काम करने वाला अर्जुन है। तो बुद्ध ने ऐसे धर्म की स्थापना की जिस धर्म की धाराओं में कोई भी कमी नहीं पकड़ी जा सकती। और हिंसा की भी कोई बात नहीं आती। जैसे ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा हो। मनुष्य में जो इंसानियत होनी चाहिए वो इंसानियत की धारणाओं की बातें ही उनके ज्ञान में भरी पड़ी है। तो बौद्ध धर्म अर्जुन के समान है। और नकुल है सन्यास धर्म। जो कल्प वृक्ष है उसमें सबसे मोटी जड़ कौन से धर्म की दिखाई गई है? सन्यास धर्म की। बहुत पावरफुल धर्म है। इसलिए मुरली में बोला है जब सन्यासी निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। क्योंकि सन्यासियों में अनेक जन्मों की पवित्रता के संस्कार भरे हुए हैं। तुम बच्चों में तो इसे एक जन्म में बाप आकर पवित्रता की धारणा के प्रति प्यार पैदा कराते हैं।
सन्यासियों में तो जन्म जन्मांतर का पवित्रता के प्रति प्यार है, परंतु रास्ता अलग पकड़ते हैं, दूसरा पकड़ते हैं। इसलिए सन्यास धर्म नकुल की तरह है। नकुल नेवले को कहा जाता है जो सांप को काट के रख देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। सर्प कहा जाता है विकारी को। इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, नास्तिक वर्ग, ये सब सपोले हैं, सांप हैं, विकारी हैं, विविचारी हैं। इन सर्पों के ज्ञान को टुकड़े टुकड़े कर डालता है, इनके धर्म की धारणाओं को चीड़ फाड़ के फेंक देता है। जब ये सन्यासी निकलेंगे तो इन विदेशी विधर्मियों पर तुम्हारी विजय हो जाएगी, इतने पावरफुल है। और सहदेव जो देवताओं का ही सदैव सहयोगी रहा है, ये बौद्ध तो क्रिश्चियंस के भी अधीन हो गए हैं, मुसलमानों के भी अधीन हो गए। सन्यासी भारत देश को छोड़कर के विदेशियों की सेवा में चले गए, लेकिन सिख धर्म सदैव भारतीयों का सहयोगी रहा। विदेश में जाते हैं तो भी भारतीय बन के रहते हैं, भारतीयता के सहयोगी है। इसलिए इनका नाम पड़ता है सहदेव, देवताओं के साथी, अर्थात गुरु नानक का सिख धर्म। ये पांच धर्मों के पांच मुखिया हैं, जो भारतीय हैं, विदेशी नहीं है, राइटियस हैं, विविचारी रास्ता नहीं अपनाते हैं, विविचार को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए पांडव हैं। पंडे की औलाद हैं, पंडा उन्हें कहा जाता है जो रास्ता बताने वाला होता है। ऊंचे से ऊंचा पंडा है बाप, जो हमें पवित्रता का रास्ता बताता है, पवित्रता के रास्ते में ले जाता है। तो उस पंडे के ये पांच पुत्र हैं, भारतीय पुत्र हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनमें अव्वल नंबर पांडव कौन है? हैं? युधिष्ठिर। जो विश्व की बादशाही प्राप्त करता है, सम्राट बनता है, वो सूर्यवंश है। उस सूर्यवंश में से आठ चुने जाते हैं अव्वल नंबर, वो है अष्टदेव। उन अष्टदेवों की गिनती चंद्रवंश में नहीं की जा सकती, उनकी गिनती इस्लामियों में नहीं की जा सकती, अष्टदेवों की गिनती क्रिश्चियंस में नहीं की जा सकती, मुसलमानों में नहीं की जा सकती। वो तो असल सूर्यवंशी हैं, सूर्य के साथ रहने वाले सात घोड़े, सूर्य के रथ में सात घोड़े दिखाए जाते हैं। सात घोड़े और एक सूर्य,
ये मिलकर के आठ देवताएं हैं, सर्वश्रेष्ठ देवताएं, अष्ट देव कहे जाते हैं। इनकी पूजा और इनके मंदिर दक्षिण भारत में जास्ती मिलते हैं, उत्तर भारत में इतनी पूजा नहीं होती। हाँ, कोई भी अनुष्ठान आदि करते हैं, जैसे शादी होती है, यज्ञोपवीत होता है, तो उसमें नवग्रह बनाते हैं, नवग्रहों के रूप में उनकी पूजा करते हैं। बाकी मंदिर बनाकर उत्तर भारत में पूजा नहीं होती, मंदिर बना करके भारत में उनकी पूजा होती है। आज भी मंदिर बने हुए हैं भारत में, दक्षिण भारत में, जहां अष्टदेवों की मंदिर दिखाए जाते हैं, उनकी मूर्तियां भी दिखाई जाती हैं। तो पांच पांडवों में और अष्टदेवों में अंतर है। नौ लाख में 16,108 समा जाएंगे क्या? हाँ, समा जाएंगे। 16,108 में 9 लाख समा जाएंगे। एक सौ आठ में 16,108 समा जावेंगे, आठ में 108 समा जावेंगे और एक में 8 समा जावेंगे। इस सत्य रूपी एक वृक्ष है जिसका एक बीज है, आठ बीज हैं, वो सर्वोपरि हैं। तो जैसे 9 लाख में से चुनिंदा 16,108 राज परिवार के निकलते हैं, ऐसे ही 9 लाख में 750 करोड़ मनुष्य आत्माएं भी समाई हुई हैं स्वभाव संस्कार से। ये 9 लाख सृष्टि के आदि हैं, 9 लाख के भी आदि हैं 4.5 लाख। 4.5 लाख तो प्रजा है, उनमें से राज परिवार वालों का चुनाव होता है 16,108। उस राज परिवार में राजाएं भी आते हैं, महाराजाएं भी आते हैं, रानियां भी आती हैं, महारानियां भी आती हैं, महामंत्री भी आते हैं, जो भी ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी हैं सब आ जाते हैं राज्य के। सतयुग के आदि से लेकर के त्रेता के अंत तक 21 जन्मों में टोटल राज परिवार की 16,108 आत्माएं निकलती है। ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान बाप से राजयोग सीख करके नंबरवार राजाई का पद लिया है। कोई तो जन्म जन्मांतर प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कोई त्रेता के अंत में एक जन्म में जाकर के प्रिंस या प्रिंसेस बन के रह जाता है।
बाकी के पहले जन्मों में राजा रानी नहीं बनते, प्रिंस प्रिंसेस नहीं बनते, दास दासी बन के रह जाते हैं। और अष्टदेव में लक्ष्मी आती है या नहीं? अगर नहीं आती है तो लक्ष्मी से श्रेष्ठ कौन है? जो ज्यादा नारायण के साथ रहता है। कोई है? है? जो श्रेष्ठ तो होगा वो श्रेष्ठ के साथ ही रहेगा या भ्रष्ट के साथ ज्यादा रहेगा? श्रेष्ठ के साथ ही ज्यादा रहेगा। तो लक्ष्मी भी अष्टदेव में आती है। जो असल सूर्यवंशी हैं आठ, रुद्रमाला के पहले पहले मण के, उन आठ के चंद्रवंशी युगलमण के भी हैं, जो उन आठ के बराबर पद पा लेते हैं युगल बनने के बाद। अर्धांगी कहे जाते हैं, इसलिए आधा आधा पुरुषार्थ बट जाता है, समान पद पा लेते हैं। इसलिए चार सूर्यवंशी और चार चंद्रवंशी ये मिलकर के आठ पहली पहली आत्माएं हैं जो अष्टदेव बनती हैं, चार युगल जोड़े। हाँ जी, आत्मा नारायण तो है उसका आत्मा आत्मा लेकिन यहाँ जब अर्धांगिनी बनती है तो पुरुषार्थ आधा आधा हो जाता है कि नहीं? अरे आधा साझा हो गया ना, तो इसलिए संगम युग में विश्व की बादशाही का पद राम वाली आत्मा ने ले लिया, जो सतयुग के नौ जन्म है श्रेष्ठ है, उन श्रेष्ठ नौ जन्मों में नौ नारायणों के बीच में अव्वल नंबर नारायण राम वाली आत्मा हो गई। तो त्रेता के बारह जन्मों में सीता वाली आत्मा को नंबर नहीं लेने देंगे? अरे प्योरिटी की पावर किससे मिलती है जो राजधानी स्थापन होती है? कौन निमित्त बना? तो फिर उसे पद भी चाहिए। दे तो दिया इसका जवाब। है बेहद का लाइब्रेरी, वो तो स्थूल लाइब्रेरी होती है। क्या
जिसमें से जब चाहते हैं किताब लेकर के निकाल लेते हैं और प्रश्न का समाधान ढूंढ लेते हैं। ये तो बेहद की लाइब्रेरी है। चैतन्य है या जड़ है, ये सब लाइब्रेरियां बैठी हुई हैं। कोई ने पूछा है बेहद का सार और बेहद का विस्तार कौन है, बताओ भाई बेहद का सार कौन है और बेहद का विस्तार कौन है, हैं? हैं? क्या क्या बोला? अरे कोई है या नहीं है, कौन है, हैं? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा विस्तार है, हैं? ब्रह्मा बाबा ज्ञान का विस्तार करता है, फिर विस्तार कहां से हो गया? ज्ञान का सार क्या है? बिंदु। ज्ञान का सार है बिंदु, तो बिंदु में सबसे जास्ती कौन टिकता है? वो तो न सार और न विस्तार कहा जा सकता है, उसकी तो कोई से तुलना ही नहीं की जा सकती शिव बाप की। बाकी जो आत्माएं हैं उनमें बताएं कि विस्तार कौन है और सार कौन है। राम वाली आत्मा सार भी है और राम वाली आत्मा विस्तार भी, वो वृक्ष है। वृक्ष जब बीज बनता है तो सार है और पूरा वृक्ष बन जाता है तो विस्तार है। और है वन नंबर सिलाया है, ज्ञान में सिवाय न है कोई अंतर है? ऐसा तो ज्ञान में अलग अलग बताया नहीं कि ओम नमः शिवाय भक्ति में होता है और ज्ञान में सिर्फ नमः शिवाय होता है। ऐसा कहीं मुरली में बताया है? नहीं। ये नमन करना, नमन माने झुकना, ये हद में नमन करना होता है, हद में इस माथे को झुकाना, और बेहद में नमन होता है बुद्धि को झुकाना। प्रैक्टिकल में बुद्धि को झुकाना माना जैसे चलाए वैसे चलना, ये है बुद्धि को झुकाना। तो बुद्धि को शिव के एक कार्यकर्ता के सामने झुकावेंगे या तीनों के सामने झुकाना पड़े, है? त्रिमूर्ति शिव है या सिर्फ एक मूर्ति शिव है? एक मूर्ति तो शिव है, तीन मूर्तियां भी अलग अलग हैं, लेकिन उन तीन मूर्तियों में जो कार्य करने वाली चैतन्य आत्माएं हैं वो तीनों आत्माएं एक मूर्ति में समावेश हो जाती हैं, इसलिए वो एक मूर्ति ही त्रिमूर्ति शिव है। और तीनों की बातें माननी पड़े, शिव की भी बात मानते हैं, शिव राजधानी स्थापन करके वापस चला जाता है तो कौन रह जाता है, है?
विश्व पिता रह जाता है तो उसके सामने भी माथा टिकाना पड़े या नहीं टिकाना पड़े, मन बुद्धि झुकाना पड़े। और ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश है जिसे जगदम्बा कहा जाता है, जिसके लिए बोला राज करेगा खालसा, एक समय ऐसे आवेगा जो भले ये बाबा चला जावे परंतु मम्मा सारे यज्ञ की पालना करेगी। मम्मा सारे यज्ञ की पालना करेगी तो झुकना पड़े या नहीं झुकना पड़े हैं? अरे ब्रह्मा के सामने झुकेंगे या नहीं झुकेंगे? झुकेंगे। चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो चाहे शंकर का रूप हो, तीनों मूर्तियां श्रेष्ठ हैं संसार में जो विश्व पर विजय प्राप्त कराने वाली हैं। इसलिए कहा जाता है झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो नमः शिवाय शिव शब्द नहीं है, शिव बिंदी का नाम है। अकेली बिंदी को नमन करने का कोई मतलब नहीं है, बिंदी डायरेक्शन देती है क्या? देती है नहीं। बिंदी जब साकार में आती है तो डायरेक्शन देती है, उस डायरेक्शन के सामने झुकना पड़े तब कहा जाता है ओम नमः शिवाय। ओम माने तीन मूर्तियां, आ उमा, आ माने ब्रह्मा, ओ माने विष्णु, मां माने महेश। तीनों मूर्तियों को मिला करके जब एक बनती है तब कहा जाता है ओम। और है चंद्र भक्ति माल है, भक्ति मार्ग में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब लगते हैं तो कहते हैं दे दान तू छूटे ग्रहण। किसको दान दो? सूर्य को दान दो, सूर्याय नमः। चंद्र देवताय नमः, चंद्रमा को दान दो, अर्थात सूर्य और चंद्र को योग दान दो तो उनका ग्रहण छूट जाए। वास्तव में ये भक्ति मार्ग की बात है। भक्त होते हैं वो नहीं जानते हैं कि सूर्य को तो कभी ग्रहण लगता ही नहीं, वो तो सदैव ही ज्ञान की ज्योति का गोला है, उसकी ज्ञान ज्योति तो कभी खलास ही नहीं होती जो अंधेरे का ग्रहण लगे। हाँ चंद्रमा को ग्रहण लगता है, चंद्रमा अंधेरे में भी आता है, चंद्रमा रोशनी में भी आता है। चंद्र ग्रहण जब लगता है तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी माता आ जाती है। पृथ्वी माने धरणी, धरणी माने कन्याएं माताएं। एक तरफ बीच में है पृथ्वी, एक तरफ है चंद्रमा, एक तरफ है सूर्य। तो परछाया पृथ्वी का किसके ऊपर पड़ेगा?
चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा या सूर्य के ऊपर पड़ेगा? चंद्रमा के ऊपर परछाया पड़ता है धरणी माता का। ये ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा धरणी रूपी कन्या माताओं के प्रभाव में आ जाता है। प्रभाव में आना माने परछाया पड़ जाना, कहते ना भूत प्रेत का परछाया है। परछाया माने परछावा, परछाई। तो कन्या माताओं से वो ज्ञान चंद्रमा प्रभावित होता है। उसके प्रभाव को हटाने के लिए ईश्वर की याद का दान उसे देना पड़े। इसलिए कहा है कि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा वो तो शरीर छोड़ गया, परंतु वही आत्मा कोई माता में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, उसके ऊपर कन्या माताओं का परछाया पड़ चुका है, अज्ञान का परछाया है। वो परछाई हटाने के लिए उसे ज्ञान सूर्य की रोशनी चाहिए। तो संगठित होकर के जब हम ज्ञान की रोशनी देंगे योग का दान देंगे याद करेंगे तो प्रकृति में भी परिवर्तन आ जाएगा। प्रकृति में भी परिवर्तन आवेगा तो चंद्रमा का भी परछावा उतर जाएगा, चंद्रमा भी रोशनी में आ जाएगा। इसलिए जब याद करते हैं तो जैसे अपने घर के मित्र संबंधियों को ज्ञान में चलाने के लिए उनको सर्च लाइट देते हैं, ऐसे बाबा की याद में ज्ञान चंद्रमा को भी सर्च लाइट देनी चाहिए। वो ज्ञान चंद्रमा जगदम्बा में प्रवेश होकर के पार्ट बजा रहा है, वो सर्च लाइट उसको मिलेगी तो वो भी ज्ञान की रोशनी में आ जाएंगे।